हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी या यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, हमने कल पार्ट वन में देखा था 2020 के जो समर ओलंपिक जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे आपके, उसके बारे में हमने देखा था 8 अगस्त 2021 से लेके 23rd ऑफ जुलाई से लेकर 8 अगस्त ऑफ 2021 को टोक्यो जापान में जो ऑर्गेनाइज किए गए थे उसका हमने पार्ट वन देखा था। पार्ट वन में हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी यहाँ पे कि किसने इंडिया की यहाँ पे जो मैन इसका इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इसके अलावा इसका लोगो, इसके अलावा इंडिया की कितनी रैंक रही, ये सब हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। यदि आप इसका पार्ट वन देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है। पार्ट वन की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वहां जाकर आप पार्ट वन देख सकते हैं। कल हमारा कुछ पार्ट इसका रह गया था जो कि मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया था, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट वन के बारे में यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। ये देखिए, आपका यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जेलविन थ्रो में जीता था। इसके अलावा सिल्वर की बात करें, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, और डिटेल्ड इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसका पार्ट वन देख लीजिए। पार्ट वन देखने पर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए थे आज हम इसको पार्ट टू में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट टू में तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। देखिए, सबसे पहले तो इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, टोक्यो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया गया था आपके टोक्यो जापान में, जो कि जापान में है, ठीक। जापान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो है वो जापान, यहाँ पे दिस वॉज द फोर्थ टाइम्स दैट जापान होस्टेड द ओलंपिक गेम्स आफ्टर प्रीवियसली होस्टिंग। मतलब टोक्यो ने अभी इस टोक्यो को मिलाकर टोटल 4 इसने आपके क्या कर लिया है, ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर लिया। पहला ओलंपिक गेम जो होस्ट किया गया था वो आपका टोक्यो में ही किया गया था, जो कि समर ओलंपिक था। इस समय भी समर ओलंपिक इसको होस्ट किया, ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, टोक्यो में। ये कब किया गया था, 1964 में टोक्यो में। इसके पहले भी समर ओलंपिक हो चुका है। दूसरा इसका जो विंटर ओलंपिक हुए थे, दूसरा विंटर ओलंपिक हुआ था स्पैरो में 1972 में। इसके बाद और नगेनो में 1998, यहाँ पे भी विंटर ओलंपिक आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये फोर्थ टाइम था जो कि जापान में जापान के टोक्यो में आपका ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दिस वॉज द फोर्थ टाइम्स दैट जापान होस्टेड द ओलंपिक गेम्स, ठीक। इसके बाद देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस टोक्यो इज द फर्स्ट एशियन एशियन सिटीज टू होल्ड द समर गेम्स ट्वाइस। तो टोक्यो जो है, जापान की जो टोक्यो सिटी है वो पहली ऐसी एशियन सिटी बन गई है जिसने कि 2 बार आपका समर ओलंपिक को होस्ट किया है, ठीक। इसके बाद एक और देख लेते हैं, कल हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि जो आपका समर ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में उसमें किस कंट्री ने टॉप किया था। द यूनाइटेड स्टेट हैज टॉप द ओवरऑल मेडल टैली विद 113 मेडल्स। मतलब 113 मेडल यहाँ पे 113 मेडल्स आपको के साथ यूनाइटेड स्टेट ने यूएस ने टोक्यो ओलंपिक में टॉप किया था, जिसमें कि 113 में से आपके 39 जो थे वो गोल्ड थे, 41 आपके सिल्वर थे और 33 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स थे। इसके अलावा हमने एक और डिस्कस नहीं किया था कि एमसी मैरीकॉम एंड मेंस हॉकी टीम्स इस कीपर मनप्रीत सिंह, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह वो वर द फ्लैग बेरियर फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरियर थे वो आपकी एमसी मैरीकॉम थी, ठीक। एमसी मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी, एमसी मैरीकॉम एंड मेंस हॉकी टीम्स इसका स्कीपर्स मनप्रीत सिंह हमारे फ्लैग बैरियर थे, ठीक। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया वॉज द फ्लैग बैरियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो जो बजरंग पूनिया थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया जो थे वो आपके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया वॉज द फ्लैग बैरियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इवेंट, ठीक। आपको ये चीज़ें हम कल के वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आप ये वीडियो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कल फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, देखिए हम फर्स्ट पार्ट का हम एक रिकैप ले लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। सबसे पहले तो हमारा जो आपका
समर ओलंपिक था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी डेट क्या थी, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आप इसका 32 एडिशन था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे क्या जीता था, गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, मीरा बाई चानू ने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार दहिया ने आपका रेसलिंग कुश्ती में आपका जीता था ठीक सिल्वर मेडल। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो पीवी सिंधु, टोटल 4 लोगों ने इंडिया के ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 4 खिलाड़ियों ने, पहला पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना वॉर्गेन एंड चौथा था इंडियन हॉकी टीम्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके लवलीना वॉर्गेन की बात करें तो इन्होंने वुमेन वेट वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया जो था तो बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस फ्री स्टाइल 65 kg रेसलिंग में जीता था। और पीवी सिंधु बैडमिंटन सिंगल वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये ऑल अबाउट था आपका समर ओलंपिक के बारे में। आप इसके दोनों पार्ट देख लेना, दोनों पार्ट में आपको पूरा यहाँ से जितना भी आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगे ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।